उत्पत्ति अध्याय 28। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को न ब्याह लेना। पदनराम ने अपने नाना बतुएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे और फुला फला कर बढ़ाए और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो और वह तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहिम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम को दे दिया था उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पदनराम को अरामी बतुएल के उस पुत्र लाबान के पास चला जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पदनराम को भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी ब्याह लाए और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की को ब्याह न लेना और याकूब माता पिता की मानकर पदनराम को चल दिया। तब एसाव यह सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है इब्राहिम के पुत्र इश्माएल के पास गया और इश्माएल की बेटी महलत को जो नबायोत की बहन थी ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। सो याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूली के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न करूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता वरन यह स्वर्ग का फाटक ही हो सकता है। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया और उसने उसका नाम बेतेल रखा पर उस नगर का नाम पहले लूज था। और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौटाऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा।